अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू आजकल ब्रेकिंग न्यूज़। तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि तुर्की और बरतानिया के दरमियान सनतियों और ज़रई मसनूआत के लेन देन पर अहम मुआहिदा बहुत करीब मुतवक्के है। तुर्क नशरियाती इदारे के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि तुर्की बरतानिया के साथ सनती और ज़रई मसनूआत के खिदमात पर मुहित आज़ाद तजारती कई से मुआहिदे करने के करीब है। उन्होंने लंदन के दौरे के दरमियान फाइनेंशियल टाइम के एक इंटरव्यू में बताया कि तुर्की और इंग्लैंड के दरमियान कोई भी ऐसे इख्तलाफ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारी जो तरक्की पसंद आवाम है और हमारी जो तरक्की याफ्ता चीजें हैं उन पर गौर किया जाए। उन्होंने अपना जायजा पेश करते हुए कहा कि हम आजाद तजारती मुआहदे को नतीजा खेज बनाने के लिए बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। भामी तजारती हुजूम का 95% सनती मसनूआत पर मुश्तमिल है और इस मामले पर मुताकबत भी कायम हुई है। बाकी का मानदा 5% ज़रई मसनूआत की सर्विसेज को तश्कील देता है, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि तुर्क सदर के इस इकदाम यानी के आया सोफिया को एक मस्जिद में तब्दील करने के इस डील पर भी असर पड़ सकता है, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि बरतानिया मजहब को तिजारत में हरगिज इस्तेमाल नहीं होने देगा और अगर बरतानिया और तुर्की के दरमियान ये मुआहदे तय पा जाते हैं तो दोनों की तिजारत में 20 अरब डॉलर्स तक का इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों इस बारे में आप सबकी क्या राय है, क्या बरतानिया इस तिजारती मुआहदे में अपनी कोई मजहबी चीज को सामने लाएगा और इख्तलाफ करेगा या फिर नहीं, इस हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दुनिया भर की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले हासिल करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल आजकल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।